गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं आपका बाली और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रॉयल एनफील्ड मिट्योर में क्यों हीटिंग इशू आ रहे हैं और इसका क्या सलूशन है। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि रॉयल एनफील्ड मिट्योर और रॉयल एनफील्ड की बाकी बाइक्स में ये एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन होते हैं इनके, और अगर सरल भाषा में बताऊँ तो इनका जो पिस्टन रहता है वो लंबे सिलेंडर में अप से डाउन पूरा ट्रेवल करते हुए एक पूरा एक स्ट्रोक पूरा करता है। और वहीं शॉर्ट स्ट्रोक इंजन जैसे KTM ड्यूक या 100cc या 200cc बाइक में आते हैं, उनका जो पिस्टन रहता है वो छोटे सिलेंडर में ऊपर से नीचे जाते हुए ट्रेवल करते हुए वो एक स्ट्रोक पूरा करता है। इसीलिए जो KTM ड्यूक या और 100cc की बाइक्स आती हैं उनके जो RPM है, मैक्सिमम RPM उनका 10,000 से 11,000 तक चला जाता है। वहीं रॉयल इनफील्ड की बाइक्स का जो मैक्सिमम RPM है वो 6,000 से 7,000 के बीच में रहता है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा मिलता है इन बाइक्स का। आपको सरल भाषा में बताऊं तो आपको ज़्यादा गियर चेंज नहीं करने पड़ते। आप अगर 30 की स्पीड पे चल रहे हैं फोर्थ गियर में तो आप एक्सीलेटर दे के वहीं से गाड़ी उठा सकते हैं। मैं ये सब चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूं? मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन को शॉर्ट स्ट्रोक इंजन से और एक 350cc की बाइक को 150cc की बाइक से और एक ऑयल कूल्ड इंजन को लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि जावा में और दूसरी बाइकों में आता है कंपेयर मत करें। तो अभी आते हैं मुद्दे की बात के ऊपर कि हीटिंग इशू आ क्यों रहे हैं। रॉयल इनफील्ड रिकमेंड करता है कि 2000 किलोमीटर तक आप 50 की स्पीड मेंटेन करें। उससे क्या होता है कि 50 की स्पीड मेंटेन करने पे RPM कम रहते हैं और जो फ्रैक्शन होती है इंजन्स के पार्ट्स की वो कम हीट के ऊपर होती है। और जब हम इसकी स्पीड ज़्यादा चलाते हैं तो इसमें जो फ्रैक्शन होती है इसके पुर्जों की वो ज़्यादा तेज़ी से होती है और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसीलिए वो मना करते हैं। पर हम करते इसके उलट हैं। मैंने खुद बाइक ली थी और मैंने इसकी स्पीड टॉप स्पीड चेक की 125 की, वो मैंने वीडियो बनाई हुई है। टॉप स्पीड इसकी 125 ही है इसकी, और अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके वो देख सकते हैं। पर कहने का मतलब है कि हम वो चीज़ें फॉलो नहीं करते। मैंने भी, और इसको जब मैं सिटी में चलाता था तो रेड लाइट आ रखी है और वहाँ मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ और कानों को थोड़ा अच्छा लग रहा है उसकी आवाज़ सुनने में। मैं खड़ी बाइक को एक्सीलेटर दे रहा हूँ खड़ी खड़ी में, और जैसे ट्रैवल करते हुए सिटी में यहाँ फोर्थ गियर आराम से लग सकता है और मैं इसको तीसरे या दूसरे में चला रहा हूँ क्योंकि उससे थोड़ा साइलेंसर की आवाज़ थोड़ी डॉल्बी साउंड कानों को अच्छा लग रही है लोगों को सुनाने के लिए। तो ऐसी चीज़ों से भाई गाड़ी तो गर्म होगी ही होगी। तो अब आते हैं मुद्दे की बात के ऊपर कि अगर हीटिंग इश्यूज आ रहे हैं तो इसका सलूशन क्या है। तो सलूशन इसका यह है कि रॉयल इनफील्ड 500 किलोमीटर के ऊपर आपकी बाइक सर्विस करते हैं एंड रॉयल इनफील्ड यूजेस इट्स ओन ऑयल बाय द नेम ऑफ लिक्विड गन विच इज़ ए सेमी सिंथेटिक ऑयल एंड रॉयल इनफील्ड ऑल्सो बॉन्ड्स टू बी वेरी कम्पिटेटिव इन टर्म्स ऑफ प्राइजेस। पर ये ऑयल उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता जितना एक फुली सिंथेटिक ऑयल जैसा कि V315W50 आपको देता है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं किसी भी ब्रांड की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं एक डिफेंस पर्सनल हूँ और मैं अभी जॉब करता हूँ, तो मेरे को जो चीज़ अच्छी लगती है अपने ऊपर वो मैं ट्राई करता हूँ और वो अच्छी मेरे को लगता है कि वो आपके काम भी आ सकती है, तो वही मैं वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। तो जब मैंने सर्विस कराई थी 500 किलोमीटर के ऊपर, उस टाइम मेरे को भी पता नहीं था इस ऑयल के बारे में, तो मैंने भी वही रेगुलर ऑयल जो रॉयल इनफील्ड यूज़ करता है वही इसमें डलवाया। और सर्विस के बाद मेरे को हीटिंग इशू में कोई भी इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं मिली। तो क्योंकि मैं भी एक डिफेंस में टेक्निकल लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, तो फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया और पाया कि जो मोटो ऑयल का ये 300V 15W50 350cc बाइक के लिए बेस्ट सिंथेटिक ऑयल है, तो वो मैंने यूज़ किया। तो आप यकीन मानिए ये इसकी इंजन स्मूथ हो गया, पेपे हो गया काफ़ी, और इसके गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ हो गए और जो हीटिंग इशू था 65% तक कम हो गया, 100% में से 65 तक आ गया। 35% तक ये हीटिंग इशू आपका सॉल्व कर सकता है ये ऑयल, और यूज़ करिए। मैं एक जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ और आपके ऑयल काम आने वाला है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई इशू है बाइक को लेके तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मैं ऐसी ही और नई नई वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।